अगर आप एक श्रमिक हैं और आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो आपको उत्तराखंड श्रमिक कार्ड बनवाना चाहिए, क्योंकि इससे आपको कई योजनाओं का लाभ उठाने का मौका मिलेगा और साथ ही आपको कई अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने बताया कि सरकार की श्रमिक रोजगार योजना रंग ला रही है और प्रदेश के तमाम श्रमिक सीधे तौर पर इसका फायदा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पहला प्रदेश होगा जहां पर व्यापक स्तर पर श्रमिकों का पंजीकरण किया जा रहा है, ताकि प्रदेश के 100% श्रमिकों को योजनाओं का लाभ मिल सके। 2014 से लगातार पूरे भारत में जहां 10 करोड़ श्रमिक कार्ड बन चुके हैं, वहीं उत्तराखंड में 10 लाख कार्ड बनाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया है कि शिक्षा के आधार पर मानदेय के वर्गीकरण करने के साथ रोजगार की व्यवस्था की गई है, वहीं महिला समूह को इस योजना से जुड़कर काफ़ी फायदा हुआ है। नवाब ने कहा है कि हर तहसील दिवस पर तहसील में कार्ड के अप्लाई किया जा सकता है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। की जाएगी, कैसे बनाए जाएंगे? देखिए, श्रमिक अगर कोई भी इन चीज़ों से जुड़ा हुआ जो मैंने आपको योजनाएं बताई हैं, अगर वो काम करता है, उसका लेबर कमिश्नर में ऑनलाइन उनका रजिस्ट्रेशन होता है, उसकी जांच होती है तहसील स्तर से, और हर तहसील दिवस पर उनके ऑनलाइन फार्म या ऑफलाइन फार्म भी भर सकते हैं वो जी। और लगातार श्रमिकों के कार्ड एक फिक्स कर दिया है कि इतने श्रमिकों के कार्ड महीने में जिले स्तर पर बनेंगे।